नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स. द ब्लड वेसल्स आर ब्रांच ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. दे आर ऑफ थ्री काइंड्स. तीन तरीके की होती हैं ब्लड वेसल, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. आर्टरी क्या है? एन आर्टरी इज अ वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड एनी ऑर्गेन. तो आर्टरी एक ऐसी पाइप है, वेसल है, जो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है. कहाँ तक? हर ऑर्गेन तक, हमारे ईयर, नोज. What is the characteristics of an artery? It have thick muscular wall. It have a narrow lumen, the central bore means cavity, and the blood in it flow in spurts which correspond to the ventricular contraction of the heart. Now talking about vein. A vein is a vessel which carry the blood away from an organ toward the heart. तो वेन क्या होती है? वेन वो होती है जो ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम ऑर्गेन टूवर्ड द हार्ट, हार्ट की तरफ ले जाती है ऑर्गेन से ब्लड को. व्हाट इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ अ वेन? वेन हैव थिन मस्कुलर वॉल. वेन हैव अ वाइडर ल्यूमेन, मींस आर्टरीज की जो कैविटी होती है, जो होल होता है, वो काफ़ी पतला होता है, लेकिन ल्यूमेन वेन की देखी जाए तो काफ़ी वाइड होती है और इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लड यहाँ पर लो प्रेशर से होता है, फ्लो करता है, जबकि आर्टरीज़ में ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करता है, इसलिए आर्टरी की जो ल्यूमेन है, कैविटी है, वो नैरो होती है. इन वेन द ब्लड इन इट फ्लो यूनिफॉर्मली एंड इट कंटेन्स थिन पॉकेट शेप्ड वॉल्व हुज ओपनिंग फेस इन द डायरेक्शन ऑफ हार्ट. दीज वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. तो जो वॉल्व होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, ट्राइकस्पिड हो, बाइकस्पिड हो, सेमिनोलर वॉल्व हो, ये सभी ब्लड के बैक फ्लो को रोकती हैं, ब्लड वापस लौट के नहीं जा सकता है. द स्मॉलेस्ट और द फाइनल ब्रांच ऑफ एन आर्टरी इज कॉल्ड एन एट्रियोल. एट्रियोल आर हाईली मस्कुलर एंड कैन चेंज देयर डायमीटर मैनीफोल्ड. तो एट्रियोल जो है वो अपने डायमीटर को चेंज कर सकते हैं बार बार, क्योंकि वो हाईली मस्कुलर है. द एट्रियोल ब्रेक्स अप इन टू कैपलरीज. अब एट्रियल की जो ब्रांचेज होती हैं उनको हम कैपलरी बोलते हैं. तो वॉट इज़ अ कैपलरी? कैपलरी इज़ अ वेरी नैरो ट्यूब अबाउट 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. वॉट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैपलरी? इट्स वॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथीलियम सेल, दैट इज एंडोथीलियम, एंड इट हैज़ नो मसल्स. द टोटल नंबर ऑफ ब्लड कैपलरीज प्रेजेंट इन द होल बॉडी इज ऑलमोस्ट इनकनसर्वाइकेबल. If all the blood capillaries of the body were placed end to end in a row, they could extend to a length of 100,000 km. Their total wall surface would be more than 500 square meter. So what are the functions of capillaries? To allow outward diffusion of oxygen into the intracellular fluid and from there into the tissue cell. Oxygen ki supply karna टिश्यूज़ में और उसके फ्लूड में. टू अलाउ इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर फ्लूड. कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ आउट करना. टू अलाउ इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, हार्मोन एक्सेट्रा. टू अलाउ ल्यूकोसाइट मीन्स WBC टू स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल बाई मीन्स ऑफ एमीबॉइड मूवमेंट एंड द प्रोसेस इज नोन एज डायपेडेसिस. The capillary having the power of dilating, that is known as vasodilation. तो जब capillary dilate करती हैं, wide हो जाती है, इसको बोलते हैं vasodilation, and contracting is known as vasoconstriction, जब सिकुड़ जाती हैं. With which respectively increase and decrease the blood supply to the body part. Evidences of these changes in capillaries is seen in the color of the skin. Walk in a hot sun, face turns pink, means increased blood flow. When it is too cold, face turns bluish, means reduced blood flow. The capillaries gradually reunite and increase in the size, assuming the same three layers, connective tissue layer, muscular layer and endothelium, as in arteries and veins. तो कैपिलरी में भी यही तीन लेयर होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, मस्कुलर लेयर और एंडोथीलियम. द स्मॉलेस्ट यूनाइटेड कॉमन ब्रांच इज कॉल्ड अ वेन्यूल. द वेन्यूल जॉइन टू फॉर्म लार्जर वेन्स. वेन्यूल मिलते हैं तो वेन का फॉर्मेशन करती हैं. कंपेयर्ड विद आर्टिकल्स, कंपेयर्ड विद एट्रियोल्स, द वेन्यूल आर लार्जर विद मच वीकर मस्कुलर कोट.
नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स. द ब्लड वेसल्स आर ब्रांच ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. दे आर ऑफ थ्री काइंड. तीन तरीके की होती हैं ब्लड वेसल, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. आर्टरी क्या है? एन आर्टरी इज़ अ वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड एनी ऑर्गेन. तो आर्टरी एक ऐसी पाइप है, वेसल है, जो कि ब्लड